और नारायण सागर हरि की बहन सोनकली से हमारे सहयोगी हिमांशु ने बात की है, सुनिए ये बातचीत। इस वक्त हम कासगंज में मौजूद हैं और आपको बता दें हमारे साथ बाबा भोले की बड़ी बहन सोनकली है, सीधे बातचीत करते हैं। माता जी, भाई से आखिरी बार आपकी मुलाकात कब हुई थी? अब मुझे इतना ध्यान ना। कब आए थे वो यहाँ पे जब आप लोग से मुलाकात हुई परिवार के साथ बैठे? 15 साल है। भाई से बात आत होती है फोन पे? मोसना होती बेटा। अच्छा, मोसना होती, मैं झूठ साठ क्यों बोलूं। और आप लोग कितने साल तक साथ में रहे हैं, जब वो नौकरी में भी थे पुलिस की, उसके बाद फिर उनका आध्यात्मिक तरफ रुख हुआ? तो रहे जब तक समय शादी ना भाई, तो संग ही रहे, बहन भाई ये सब रहता तैसा हमारा है। तो फिर पढ़े लिखे भी नौकरी लग गई, नौकरी बाहर रहे। हाँ, पुलिस की नौकरी लगी थी? पुलिस की नौकरी लगी, फिर सीआईडी इंस्पेक्टर ले गए। हाँ, फिर मैंने भाई सका की कोई परापत भाई, तो मैंने रजान ले ली। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद क्या शुरू से ही अध्यात्म की तरफ, ईश्वर की तरफ उनका रुझान था? मेरा वो ध्यान ऐसे शुरू से ही रहो। और हमारे परिवार में हमारे बाप ऐसे ही है, हमारे बाबा ऐसे ही, सब संत भगत आए और सब इन्हें ऊपर सकती भगत भी आएगी, सिद्धि आएगी। जैसे कहते हैं सिद्धि है, बाबा की वाणी में चमत्कार है, लोगों का भला होता है। तो भलो ना हो तो जब दुनिया संसार क्यों धावते, दुनिया पब्लिक क्यों जुटते, भलो ही हो तो होगा। मैंने मेरा फायदा कोई काम करने जाएगा? हाँ, भलो हो तो है तभी तो जाता है। तो सिद्धि भी करते थे, साधना भी करते थे? तो जब तक पढ़े लिखे और रहे जहाँ, तब तक मैंने मेहनत खूब करी, हरू चलाओ, खेत हार में काम करो। जब नौकरी लग गई था तो बात तो भैया ना हमारा है जहाँ, और वे बाहर रहे हूँ अपने घर पर रहे। तो आपने अपने भाई के सत्संग में कभी हिस्सा लिया, उनके साथ बैठे सुना किस तरीके की वाणी रहती है, चमत्कारी वाणी जिसको लोग सुनने आते हैं दूर दूर से? वाणी रहते हैं, माता का अच्छी शिक्षा देता है, अनेकता में एकता रखो, भैयाचारो रखो, अहंकार घमंड को त्याग करो, बेटी को बेटी समझो, माँ को माँ समझो, बहन को बहन समझो, किसी से गलत निगाह मत डालो, अच्छी बात है बताओता है, और तुम मानो तो तुम्हारी मर्जी, ना मानो तो तुम्हारी मर्जी। अच्छा, लोगों में आस्था बहुत है उनके प्रति? हाँ, आस्था बहुत तो है। हाँ, तभी तो वे हॉस्पिटल में सुनता डरे सो मर गए, सो तो बुराई ना कर रहे प्रभु की, भाई तभी बुराई ना कर रहे, और जी जहाँ के गांव के तो ना कर रही हमारी, जाना गांव की तो बुराई कर रही। तो जिस तरीके से ये हादसा हुआ, बाबा भोले का पूरा सत्संग खत्म हुआ, फिर सब लोग गए, भगदड़ मच गई, 121 लोग मर गए, आपको जानकारी? हाँ, तो हम गए तो है ना सत्संग में, हमने सुनी है कि प्रभु को सत्संग समाप्त करके और चल रहे चले, तो जो लोग पीछे भगदड़ मचाई ना, तो पीछे को देखा तो भैया का हो रहा हुआ, मेरा भी तो कोई कमी नहीं है ना, कोई कसूर ना प्रभु को। जैसे कह रहे हैं वहाँ पे, मतलब जो लोग हैं वहाँ के, वो कह रहे हैं व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं रही, भगदड़ मच गई। हाँ, भगदड़ मच गई, जो ना भजे उतने गुस्से पे हैं, और जो भगदड़ मचाई सोई तो मारे। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी, आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है कार्रवाई उचित है? कार्रवाई उचित है, करना होना चाहिए, क्यों प्रभु की कोई दोष ना, और परिवार को खेचता तो परिवार वालों का दोष हो, कोई परिवार को बहाना है, प्रभु बहाना है नहीं, ये तो बाद में हादसा भाव हुआ, तो क्यों क्यों भैया करी जाए। क्या कहना चाहती है इस पे, जो हादसा हुआ फिर तरीके की जो चीजें चल रही है? चलती है तो वे चलती रहे, कसूर का चुना। अच्छा, अब कहा जा रहा है कि प्रभु को जो है उनको लोग प्रभु कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, तमाम लोगों में आस्था है, उन नामों से बुलाते हैं, तो जब बुलाता है तभी जाता है, बिना बुलाए तो जाता ना है, महीने छः छः महीना भजता है, प्रभु हमारे यहाँ चरण डाल दो, हाँ तब भी अपने इंतजाम करता है, भी करवाता है तब जाता है, प्रभु का बिना परमिशन के कहीं नहीं जाते। तो आपने सुने कभी उनके वचन? हाँ सुने, हम बता दी तुम्हें। हाँ, भाई कहता है अनेकता में एकता रखो, भैयाचारो रखो, प्रेम बहार से रहो, हाँ बेटी को बेटी समझो, माँ को माँ समझो,
बहन को बहन समझो, गलत निगाह मंडार, सब बातें अच्छी बताओ। जैसे माता जी ये कहा जा रहा है कि अब प्रभु को सामने आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, तो आपको लगता है ये उचित है? ये घटना हो गई इतनी बड़ी तो उसके बाद उचित है ऐसी है कि कोई काम आवे तो हमारा बिगाड़ दो, हमें मार डाल दो, हमारे सब ठाड़े तुम्हें छोड़ देंगे ना छोड़ेंगे, तो कैसे सामने कैसे बैठे कैसे बात करें आए? हालांकि गुस्सा हराम होते है और पहले मेरे को कसूर है ही ना है। हाँ, दोषी बनाओ भले फिर, लेकिन दोषी ना है। हाँ, मतलब गांव के लोग जो है दोषी नहीं मानते, क्योंकि महाराज जी का वो जो है कार्यक्रम खत्म हो गया उसके बाद ये हुआ। हाँ, सभी गांव के सभी लोग हाँ दोषी ना है, बिल्कुल बात हम सत्य बता रहे, झूठ ना बोलते। तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? अब हम क्या कहेंगे सरकार से, जब तुम्हें पेश कर दी सरकार हम। क्या आप क्या अपनी बात रखना चाहती हैं कि अब उनको तो ये है कि वो आए अपनी बात रखें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी तफ्तीश हो, जांच होगी? तो जांचें तो चल रही हैं, जांचें तो ही रही हैं, भैया हम क्या कह सकते हैं। कत्तो बुराई जू तो जाके वो बापा आओ कत्तो जहाँ धाम पे गुंडागर्दी कत्तो, प्रभु ने गुंडागर्दी से रोको तो झगड़ा भाओ एक बाप वन से, और 15 साल प्रधान कर ली हाँ भाई प्रधान खड़े भाई जेऊ भाओ जब बाप भाओ रचवाल तो वहाँ पर झगड़ा भाओ बहुत, और जो जहाँ पे निरे तो केस आए जान बुराई करी मनकुगा कहता ना तो कछ और हुआ मेरे को उनकी बात नहीं करते हम लोग। तो सत्य बात तो जाइए जब तक बात दुनिया में फैल गई है। हाँ। है कैसा ना बात, जो खुद गंडा गुंडा छिनारा सो प्रभु को गुंडा छिनारा बताओ। हाँ, तो मैंने आरोप लगाओ तू है। हाँ, आरोप लगाए। हाँ, तो पहली बात तो है खुद गुंडा है, गुंडा छिनारा हो बिना गुंडा छिनारा बताओ तू। अब जैसे लोग कह रहे हैं सभी लोग कि अब महाराज जी को सामने आना चाहिए, प्रभु को सामने आना चाहिए, अपनी बात रखें, 121 लोग उन्हीं का सत्संग सुनने गए थे उसके बाद घटना हो गई, तो एक बार हालचाल ले लेना चाहिए। नहीं तो आपको लगता है कि बात करनी चाहिए उनको, अपना कोई मैसेज संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो उनको सुनने आते हैं? टाइम से सुबह की सुनेंगे देखेंगे बेकार बिना देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे साथ जो भोले बाबा हैं उनकी बहन है और ये हमारे सुजान है बेजान है, हम कहा जाने लगा कह सका था, हम कहा कह सका था। तो जाहिर तौर पे देखिए ये भोले बाबा की बड़ी बहन है, अपनी तमाम बातें रखी हैं न्यूज 18 के प्लेटफॉर्म पे।